अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट गेमिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम कासल को बिल्ड करेंगे। इससे पहले मैं मेन मेन्यू को एक्सप्लेन कर चुका हूं और इकोनॉमी को कैसे बिल्ड करते हैं वो एक्सप्लेन कर चुका, कैसे हम वर्क लगाते हैं और कैसे हम फूड की कमी को पूरा करते हैं। गेम्स के सेटअप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट में जाके कर सकते हैं, नेक्स्ट गेमिंग बाय उमर। चलें आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको गेम सेव करने का तरीका भी समझा दिया था, तो मैं डायरेक्टली गेम लोड करूंगा, ठीक है, ताकि हमारी गेम वहीं से शुरू हो। और ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे, तो मैंने उमर नाम से गेम को सेव किया था, तो मैं यहाँ पे इसको, तो अब हम कासल बिल्ड करना चाहते हैं अपना, तो कैसे बिल्ड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपको चार तरह की वॉल्स नज़र आएंगी। ये छोटी वॉल है, इसको बहुत कम ही लोग लगाते हैं, ये दोनों वॉल्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सीढ़ी भी है, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा इसका क्या मकसद है। सबसे पहले ये वाली वॉल जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप बेसिक स्ट्रक्चर अपने कासल के बना सकते हैं। तो आप जितना एरिया लेना चाहें आप ले सकते हैं, मैं यूजली तौर पर इतना ही ले लेता हूँ, इतना मेरे लिए काफ़ी है, ठीक है, यहाँ से मैं इतना कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं आपको थोड़े से एक और ऑप्शन थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप माउस पे राइट क्लिक करें और उसे होल्ड करके रखें तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन आते हैं। इन चार ऑप्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप राइट क्लिक करके रखें और माउस को ड्रैग करें राइट की तरफ तो ये जूम इन और जूम आउट करके बताएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप राइट क्लिक करके रखें और इसको ऊपर की तरफ क्लिक करें तो ये आपको डिफरेंट एंगल बताएगा आपके कासल के, जो यहाँ पे देखें नीड थी मुझे जिन्हें। अब यहाँ पे मैंने वॉल बिल्ड करनी है, तो अगर मैं इस तरह कर दूँ तो ये थोड़ी सी बेहतर वॉल बिल्ड होगी, ठीक है, तरतीब भी आएगी थोड़ी सी। अगर मैं इसको यहाँ बिल्ड कर दूँ, ठीक है, इतना सा, और फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और यहाँ से फिर वॉल थोड़ी सी बनाने शुरू करूँ, ठीक है, तो ये मुझे हेल्प करेगी कि मेरी वॉल बिल्कुल सीधी बने। माउस पे लेफ्ट क्लिक जो है वो आपने सेलेक्ट करके रखना है, तभी ये सारी चीज़ें सेलेक्ट होंगी, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ मैं चाहता हूँ एक मेरा गेट लग जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ गेट सेलेक्ट कर लूँगा। गेट यहाँ पे इस ऑप्शन पे सेलेक्ट होंगे, यहाँ मैं बड़ा गेट चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ मैं उसको बना देता हूँ। ये ऑप्शन इसलिए नहीं आता क्योंकि वर्कर गुजर रहे होते हैं उस जगह से। अब यहाँ पे आ जाएं, इसको क्लोज़ कर देते हैं वॉल को, ठीक है, क्लोज़ भी कर सकते हैं और उसे ओपन भी कर सकते हैं। जब दुश्मन अटैक करता है तो आप इसे क्लोज़ कर देते हैं ताकि अंदर ना आए। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक गेट और लग जाए, ठीक है, वो मैं गेट लगा देता हूँ यहाँ इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, इनको लगाने के लिए आपके पास स्टोन भी होना चाहिए, आपके पास वुड भी होनी चाहिए, अगर ये होगी तभी ये लगेंगे। तो ये दो गेट लग चुके हैं। उसके बाद मैं दोबारा अपने दोबारा प्रीवियस व्यू पे आ जाता हूँ, ये हमारा प्रीवियस व्यू था। अब उसके बाद आप इस वॉल को डबल कर सकते हो, ठीक है, डबल करने के लिए ये ऑप्शन होगा। मैं सिर्फ फ्रंट वाली वॉल ही फ़िलहाल डबल कर रहा हूँ, आप सारी डबल कर सकते हैं, ठीक है, मैं फ़िलहाल सिर्फ यही वॉल डबल कर रहा हूँ। तो आप अपने पूरी वॉल को डबल कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ये होगा कि दुश्मन जब आपकी वॉल पे हमला करेगा तो इतनी वॉल आपकी आसानी से टूटेगी नहीं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे टावर्स लगा सकते हैं, डिफरेंट तरह के टावर्स के ऑप्शन में आए, तो ये ऑप्शन है हमारे पास, तो यहाँ पे डिफरेंट टावर्स हैं। मैं यहाँ पे एक ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक मैं टावर यहाँ पे ये वाला लगा देता हूँ। अच्छा जी, और टावर जहाँ आपका दिल करे आप लगा सकते हो, लेकिन मेरे पे एनिमी जो है उसका रास्ता ये वाला है, तो मैं यहाँ इसी के करीब टावर लगाऊंगा। तो इनमें आप ये टावर्स भी लगा सकते हैं, इससे छोटा है, इस तरह ये मैंने लगा चुका हूँ, और एक ये लेंथी वाला रह गया, इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। इन टावर्स के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की ज़रूरत होती है, वो हम कैसे बनाते हैं, वो हम इस वॉल के साथ किसी भी जगह बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टावर के साथ बना दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस टावर के साथ मैं एक सीढ़ी बना देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ छोटी वॉल पे क्लिक करता हूँ ताकि हमारे स्टोन कम यूज़ हो, और इसके साथ सीढ़ी बना देता हूँ। अगर ये सीढ़ी होगी तभी आर्मी हमारी ऊपर जा सकेगी, वरना नहीं जा सकेगी। कोई भी टावर लगाएं तो साथ आपने सीढ़ी लगानी ही लगानी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक टावर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ऊपर आर्मी आप नहीं लेके जा सकते जब तक आप इसकी सीढ़ी ना बना दें। सीढ़ी बनाने का क्या तरीका है, ये वाली वॉल लगाएं, यहाँ देखें होल ओपन हो चुका है, और इसके साथ ये सीढ़ी बना दें, ठीक है, तो तभी आपकी आर्मी ऊपर इसके चढ़ सकेगी, वरना नहीं चढ़ सकेगी। तो यहाँ से आप टावर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो सा आपका दिल करे आप लगा सकते हो। तो ये थे सारे कासल बिल्डिंग से रिलेटेड। एक और चीज़ भी है कासल बिल्डिंग से रिलेटेड, वो है होम्स। होम्स में आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको वर्कर बना के देते हैं होम्स, और दूसरा आपको यहाँ फूड बना के देता है। अच्छा, फूड यहाँ पे देखें तो ये आपकी फुल नहीं है, बहुत कम है, तो इसका मतलब फूड हमारी कम प्रोड्यूस हो रही है।
हमने यहाँ इस ग्रैंडी को फुल रखना है ताकि हम देखें 99 हो गया है, 98 हो गया, तो ये कम होता जाएगा। तो हमने यहाँ फूड को बढ़ाना है। बढ़ाने का क्या तरीका है, हम यहाँ पे देखते हैं कि फूड हमारी क्यों शॉर्ट है। तो शॉर्ट होने का क्या रीज़न हो सकता है, हमारे पास यहाँ गंदम नहीं प्रोड्यूस हो रही। गंदम हम सेलेक्ट करते हैं, स्टॉक पाइल गंदम तो है हमारे पास, और हमारे पास आटा भी काफ़ी सारा है, फ्लोर भी काफ़ी सारा है। इसका मतलब हमारे पास तंदूर नहीं है, बेकरीज नहीं है। तो आपने बेकरीज की तादाद को बढ़ाना है, ठीक है। तो बेकरीज आप और लगा दें, ये सारे ऑप्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बेकरीज ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास रोटी की कमी पूरी हो जाएगी। स्टॉक पाइल मुझे लग रहा है थोड़ा सा छोटा है, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस तरह। उसके बाद दोबारा से हम होम्स पे आ जाते हैं। तो होम्स में पहला ऑप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यही आपको आर्मी बिल्ड करके देता है। मैं इसको यहाँ से ख़त्म करके बाहर लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारे अंदर स्पेस थोड़ी सी बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद होम्स के सेकंड ऑप्शन पे आएँ तो ये चैपल यानी कि मंदिर वगैरह हैं, इनके इतने यूज़ नहीं है, हमें एज सच गेम में कोई फ़ायदा नहीं देते, लेकिन एज अ फन आप इनको लगा सकते हैं। इसी तरह ये भी है चर्च, ये आप लगा सकते हैं, यहाँ घंटी बजेगी और यहाँ एक पादरी आएगा, ये भी एक चर्च है, ये भी आप लगा सकते हैं। ज़ाहरी बात है इसके लिए आपको गोल्ड भी चाहिए, आपको वुड भी चाहिए, ठीक है, ये आप लगा सकते हो। ये अलबत्ता इम्पोर्टेंट है थोड़ा बहुत, ये मरहम पट्टी के लिए आपके अगर कहती हूँ वो किसी को ज़्यादा उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है, तो ये हेल्थ आपकी खुद ही थोड़ी बहुत रिकवर हो जाएगी अगर आपके पास ये लगा होगा, लेकिन एज सच इसकी भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। ये वेल है, ठीक है, अगर आप ये लगाओगे तो आपके कासल में अगर आग लग जाती है तो ये आग को बुझाने वाले यहाँ पे वर्कर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो है ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे एक वर्कर होगा, यहाँ पे तीन होंगे, तो ये वाला ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इससे तीन वर्कर जो होते हैं इकट्ठे आग बुझाते हैं तो आग जल्दी बुझ जाती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ तो ये सज़ाएँ हैं डिफरेंट तरह की जो पुराने दौर में दी जाती थी, ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एज सच इनका मिशन को प्ले करने के लिए, मिशन को विन करने के लिए इनकी इतनी नीड नहीं होती, इतनी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इस ऑप्शन पे आ जाएँ, ये हैंग करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कैदियों को लटकाएंगे या यूज़ करेंगे, एज सच इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह ये है, ये सर काटने वाला है, यहाँ पे वो गर्दन रखी जाती है, उसके ऊपर फिर छुरा फेरा जाता है। अच्छा, ये मिशन को विन करने के लिए इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, ये एवें ही हैं, ठीक है, ये सज़ाएं हैं डिफरेंट तरह की जो आप दे सकते हैं। मैं इन्हीं को अभी ख़त्म कर दूँ क्योंकि इनकी ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं है, तो एज अ फन आप इन्हें लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वेल है इसकी नीड ज़ाहरी बात है पड़ती है, आपके कासल को आग लगती है जब दुश्मन अटैक करता है, तो इस वेल की काफ़ी सारी ज़रूरत पड़ती है। और इनको भी मैं बाहर लगा देता हूँ, ठीक है, दोनों को। मैं दोबारा उसी ऑप्शन पर आता हूँ होम के, और यहाँ पर इनको बाहर लगा देते हैं ताकि अंदर थोड़ी सी जगह बचे। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने सजाऊँ वाला ऑप्शन बता दिया। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लावरिंग यानी कि ये आप यहाँ पे कोई मज़ार वगैरह लगा सकते हो जहाँ पे लोग आके पूजा करेंगे, ठीक है। उसके बाद ग्रीनरी अगर आपको अच्छी लगती है आप वो लगा सकते हैं, ठीक है, फ्लावर वगैरह, ठीक हो गया। ये मिशन को प्ले करने के लिए ज़रूरी नहीं होती, एज अ फन आप ले लें इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे झूले लगा सकते हो, ये झूले बच्चे खेल रहे हैं, इसी तरह आप रीच होता है एक वो लगा सकते हो, ये देखो बच्चों को एंटरटेन कर रहा है। ये एज सच फन के लिए यूज़ करते हैं, आर्मी बिल्ड करने के लिए, गेम को विन करने के लिए ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पे अपना जो फ्लैग है वो यूज़ कर सकते हो, जहाँ मर्जी लगा सकते हो, जैसे यहाँ लगा दिया या किसी और जगह, टावर पे, दीवार पे, जहाँ आपका दिल करे, जहाँ इतने तरह के फ्लैग हैं यहाँ पे आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक और एक्सप्लेन करना भूल गया, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। गेट लगाना मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, ये गेट का दरवाज़ा है, ये क्यों इतना ज़रूरी है उसको समझ लेते हैं। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि अपने कासल के बाहर एक खंदक खोद लेते हैं पानी की, और ताकि हमारे दुश्मन जो है वो हम तक पहुंच ना सके, ठीक है। उसके ऊपर फिर हम एक गेट लगा देते हैं ताकि जब हम चाहें, हमारे वर्कर्स चाहें तो इस गेट पे से गुजर जाएं, लेकिन जब दुश्मन आए तो आगे खंदक हो और उसमें से वो ना गुजर सकें। ये पुराने दौर में यूज़ होता था, इसको हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अभी मिसाल के तौर पर आपने यहाँ इस पर क्लिक करना है खंदक खोदने के लिए, यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप कासल से बाहर करीब करीब सारी खंदक खोल दें। ये ब्लू निशान जो है ये जाहिर करता है कि आपने यहाँ सारी खंदक खोदनी है।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने समझो यहाँ पे खंदक नहीं खोदनी थी, तो यहाँ से आप डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपने अपने कासल के बाहर हर जगह बनाना है, लेकिन मैं फ़िलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे खंदक खोलने के लिए आपको वर्कर्स चाहिए, वर्कर्स ये यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो, तो ये यहाँ पे इस खंदक को ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन जब कर लेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं अपनी स्पीड को थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप अपने कीबोर्ड पे आएँ, कीबोर्ड पे आप प्लस का साइन होगा इसको प्रेस करें, तो यहाँ देखें स्पीड बढ़ती जाएगी, 90 पे हो चुकी है। अगर आप स्पीड को नॉर्मल करना चाहते हैं तो 50 पे नॉर्मल होती है, तो कीबोर्ड पे जो माइनस का साइन है उस पर क्लिक करें तो ये नॉर्मल हो जाएगी। जब तक इस खंदक को खोदते हैं, हम इसके बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाए कुत्ते हैं, ठीक है, डराने के लिए दुश्मन को यूज़ होते हैं, लेकिन एज सच इसका इतना यूज़ नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो एक कासल के बाहर कांटे हैं जिनको आप बिछा सकते हैं, जैसे ही हमारा अपोनेंट इन पे पैर रखेगा तो उसको ये कांटे चुभेंगे और वो उधर ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने कासल से बाहर आप बना सकते हो। इनके लिए वुड चाहिए होती है, ठीक है, नीचे देख रहे हैं 6 फुट का एक लगेगा, तो ये आप अपने सारे बना सकते हैं अगर चाहें तो। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये आग का है, ठीक है, ये आप आग लगा सकते हैं अपने कासल के बाहर, जैसे ही दुश्मन इस पर पाँव रखेगा तो वो जल के राख हो जाएगा। इसके लिए जहरी बात है ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी जो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आप ऑयल आग भी बिछा सकते हैं अपने कासल के बाहर अगर बिछाना चाहें, अपने कासल से थोड़ा सा दूर बिछाएं ताकि आग लगे तो आपके कासल के अंदर ना आए। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं इस ऑप्शन पे, ये जो चीज़ है ये अगर आप लगा देते हो तो एरोज मैन जो ऊपर लगाओगे वो आग वाले तीर बरसाएंगे, इसलिए जहाँ भी आप टावर लगाएं तो ये लाजमी अंगीठी लगा दें आग वाली, ताकि दुश्मन आप पे अटैक ना करें। उसके बाद खंदक हमारी खुद चुकी है, अब यहाँ इसी ऑप्शन पे दोबारा आ जाते हैं, इस पर अगर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ देखें ये ऑप्शन आ गया। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो अपने लोग हैं वो यहाँ से गुजर सकेंगे, और दहशती दुश्मन आएगा तो इसको हम क्लोज कर देंगे, उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि आगे खंदक खुद ही होगी और हमारे तक पहुँच ही नहीं सकेगा। ठीक है, तो इसका ये एक फ़ायदा है, तो ये ऑप्शन भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें हमने होम वाला ऑप्शन पूरा सीखा है, इसके अलावा कासल को कैसे बिल्ड करते हैं, टावर्स कैसे लगाते हैं, आग कैसे लगाते हैं, कांटे कैसे बिछाते हैं, इसके अलावा सजाएं कैसी होती हैं, और मंदिर लगा सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में सीखी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम किस तरह आर्मी बिल्ड करेंगे और कौन सी आर्मी ले सकते हैं और उनको कैसे ले सकते हैं। हम तकरीबन इस गेम में जितनी भी आर्मी यूज़ हो सकती है अपोनेंट की तरफ से, हम सारी उनको बना सकते हैं, सारी ले सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ENX Gaming by Omar।